सो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनसा टेक्निकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Realme के 32 इंच के इस LED टीवी को, जिसे मैंने बाय किया है अपने YouTube मनी से। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस टीवी के बारे में क्या कुछ खास फीचर्स है और कितने प्राइस में ये मैंने इसे बाय किया है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस टीवी को अनबॉक्स करके देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। सो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर एक टेप लगा हुआ है और काफी तरह से अच्छी तरह से इसको पैकिंग किया गया है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको मिलती है। देखते हैं जो है, हटा देते हैं इस टेप को और देखते हैं इसके अंदर हमें। काफी अच्छी तरह से इसको पैकिंग किया गया है आप देख सकते हैं। और अभी हम इसके जो है टेप को हटाएंगे और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको निकाल देते हैं और ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारी इसके लिए स्लाइड्स लगाई गई है। और इसके बाद हम जैसे इसको टीवी को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस प्रकार से आपको एक बॉक्स मिलेगा। और यहाँ पर आपको देखिए एक छोटा सा इसका है जो स्मार्ट टीवी का स्मार्ट रिमोट है। और इसको अगर हम बैक से ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है दो छोटे छोटे से इसके अंदर जो है सेल्स आते हैं, इसको जो आप जब भी यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको साथ में मिलेंगे। सो गाइस ये है आपका एक छोटा सा रिमोट LED स्मार्ट टीवी के लिए। और उसके बाद में हमें ये जो है दो जो है टेबल स्टैंड के लिए हमको इसके साथ मिलती है, जो हमको आपको टीवी के साथ अटैच करना है। और इसके बाद में हमारा जो है इस पूरे बॉक्स के अंदर टीवी है। और अभी हम इसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है और कितना बड़ा दिखता है 32 इंच का ये टीवी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट कवर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर रहे, ताकि टीवी आपका बिल्कुल सेफ रहे। तो अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ और एक तरफ रखता हूँ और फिर जो है हमारा इसके अंदर आता है टीवी। और इसके अगर हम वजन की बात करें तो देखते हैं कितना इसका वजन हो सकता है अप्रोक्सली। हम इसको एक बार अपने सेटअप बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं और देख सकते हैं इसका वजन जो है अप्रोक्स 5 किलो के आसपास है और काफी बड़ा टीवी है। तो चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है। तो गाइस इसके अंदर कितने बेजल्स हैं सारी चीजें देखेंगे। इसको बाहर निकालते हैं प्लास्टिक कवर से और फिर आपको दिखाते हैं कितना बड़ा टीवी है। तो गाइस ये है हमारा टीवी, आप देख सकते हैं कितना बड़ा टीवी है ये, 32 इंच का है। और आप देख सकते हैं इसके अगर हम बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है आपको नॉर्मल टीवी में जैसे केबल पिनअप किया जाता है, ऐसा ही आपको इसमें भी केबल मिलता है। आपको जो कंप्यूटर या मॉनिटर की तरफ से जो पिन आती है वैसी नहीं आती है, बिल्कुल आपको जो अपने टीवी में लगता है वैसा का वैसा ही इसमें भी केबल्स आते हैं। उसके अलावा अगर हम इधर की तरफ पोर्ट की बात करें तो आपको काफी सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर जो है आपको एंटीना के लिए भी अलग से टीवी के लिए यहाँ पर आपको मिल सकता है, जैसे पहले हम DD1 और DD2 देखा करते थे और वैसा जो पोर्ट है आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में आपको ऑडियो वीडियो और आउट सिग्नल ऑडियो के लिए भी आपको यहाँ पर काफी सारे पिन मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको USB 2.0 का एक पोर्ट मिलता है सबसे नीचे। उसके बाद में लैन कार्ड के लिए आप जो है लैन इंटरनेट कनेक्शन चलाने के लिए भी आपको एक पोर्ट मिल जाता है, HDMI 3, HDMI 2, HDMI 1, ये सारे पोर्ट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। बस इतने से ही इसके अंदर पोर्ट्स मिलते हैं। और अगर उसके बाद हम बात करें तो ये जो है हमारा टीवी है। और अगर हम इसके बेजल्स की बात करें ना तो बहुत कम माइनर है, इसमें बेजल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छे तरह से इसको प्रोटेक्ट किया गया है और बहुत ही सेफ तरीके से इसको जो है एकदम पिनअप किया गया है, ताकि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली है। सो गाइस ये टीवी अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कैसा दिखता है। तो चलिए हम इसको एक बार सेटअप करते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखेगा। सो गाइस हमने बिल्कुल सब कुछ सेटअप कर लिया है और हम इसको ऑन किया है, देखते हैं। ये एक अच्छे से साउंड के साथ ऑन होता है रियलमी के, और उसके बाद अब देखिए कितने टाइम में ये बूट हो जाता है। तो ये देखिए बूट होना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही कमाल का टीवी, और इसकी स्क्रीन वगैरह अगर आप देखें तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं कितने टाइम में ये बूट हो जाता है। चलिए एंड्रॉयड तो आ चुका है और अभी देखते हैं ये कितने टाइम में एक बार फिर से जो है प्रॉपरली ओपन हो जाता है। थोड़ा सा वेट करें, देखिए ये सारी चीजें इसको हमने एक बार पहले से अभी इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के बाद में ये आपको दिखा रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है, आप देख सकते हैं इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारी एप्लीकेशन मिलती है, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, ये टीवी वगैरह है, AI पॉइंट्स है, यूट्यूब है, गूगल प्ले है, मूवीज एंड टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी हमने इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये आप देख सकते हैं इसको स्क्रॉल करके नीचे दिखा रहे हैं वाईफाई कनेक्ट नॉट है, तो अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया इंटरनेट से, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से
जो है वर्क कर रहा है, काफी अच्छा टीवी है और आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल देते हैं। और काफी सारे लोगों को कमेंट आते थे कि भाई ये जो ऐसा टीवी है तो क्या स्क्रीन टच है, तो ये टच स्क्रीन नहीं है बिल्कुल ही, ये आपके इसी जो है रिमोट से चलने वाला है। तो आपको सब कुछ जो भी करना है इसमें से ही करना, आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको अगर टीवी चलाना है, चलिए कौन सा ऑप्शन चलाओगे आप, टीवी चलाना है लाइव टीवी, तो लाइव टीवी पर आपको क्लिक करना है और ये कुछ इस प्रकार से आपको अपने स्कैन चैनल्स करने होंगे, अपने सेटअप बॉक्स को इसके कनेक्ट करना है, कैसे कुछ करना है वो सारी चीजें एक बार हम इसको दीवार पे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपको इसमें कैसे सेटअप करना है। सो गाइज ये था आज का हमारा रियलमी का बहुत ही खास वीडियो, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।